आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके हाथ पे भी ऐसे साइंस बनते हैं तो आप बहुत लकी इंसान हो सकते हैं। आपको अपनी लाइफ में बहुत प्रॉपर्टीज मिल सकती है, बहुत लग्जरी चीजें मिल सकती है, बहुत ही व्हीकल्स मिल सकते हैं या बहुत ही स्पेशल चीजें आपको लाइफ में मिल सकती है। इन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हथेली में फिंगर्स की। अगर आपका हाथ का साइज बड़ा है, यानी कि हथेली का साइज बड़ा है और फिंगर्स का साइज कहीं ना कहीं हथेली के मुताबिक छोटा है, तो ये बताता है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं। बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग इनकी हैबिट होती है, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्ड करने वाले होते हैं, डिलेज करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, एट ए टाइम ये काम करने वाले होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि फिंगर्स के ऊपर अगर आपके भी ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं हो, यानी कि ऐसी इस प्रकार की रेखाएं पूरी फिंगर्स पे हो, हाथ के नीचे वाले पोर्शंस के ऊपर ऐसी रेखाएं हो, तो ये बताता है कि व्यक्ति का नेचर बहुत ही मिलनसार होगा। ऐसे लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, ऐसे लोग किसी भी माहौल में एडजस्ट करना जानते हैं, किसी के साथ भी फ्रेंडशिप करना, बहुत ही जल्दी मिल जाना, ऐसे लोगों में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। ऐसे लोग किसी से भी बात करते हैं या किसी को भी नया मिलते हैं बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही खुश मिजाज होकर मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हथेली में लिटिल फिंगर की। लिटिल फिंगर, अगर इस फिंगर को लिटिल फिंगर कहा जाता है, लिटिल फिंगर का फर्स्ट पार अगर आपके सूर्य फिंगर के इस पॉइंट तक टच हो, यानी कि बिल्कुल इस पॉइंट तक टच हो, तो ऐसे लोगों में कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ऐसे लोगों में बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बिजनेस की कला इनमें बहुत अच्छी देखी गई है। उसके बाद बात करते हैं यदि ये फिंगर छोटी है और इस पोर के नीचे आ रही है, तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन बहुत डाउन होता है या कम्युनिकेशन बहुत वीक होता है। ऐसे लोग भीड़ में ज्यादा बोलने, लोगों के सामने बोलने में, परफॉर्म करने में कहीं ना कहीं हेजिटेशन फील करते हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों में कम्युनिकेशन गैप देखा गया। इसके बाद बात करते हैं सूर्य रेखा की। इस रेखा को फेट लाइन कहा जाता है, इस रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। जिन भी लोगों के हाथ में सूर्य रेखा बिल्कुल ऐसी है, बहुत कंप्लीट है, अच्छी है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। पूरी रेखा है तो ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं, ऐसे लोग नाम कमाते हैं, देश विदेश तक नाम होता है इन लोगों का। और कहीं से भी अगर आपकी सेंटर से रेखा ब्रेक हो रही है, यानी कि बिल्कुल ऐसी चलती चलती ब्रेक होकर आगे से फिर कंटिन्यू हो रही है, कहीं ना कहीं ये आपको करियर में डिलेज दिखा सकती है। पर ऐसे लोग कई बार देखा भी गया, डिलेज के कारण कई बार ये प्राइवेट जॉब में भी आ जाते हैं और इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। सो इनको थोड़ा वेट करना चाहिए और अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, सूर्य को डेली जल देते रहे, इससे आपकी सूर्य की लाइन बहुत मजबूत होती रहेगी। उसके बाद बात करते हैं शनि पर्वत की। हथेली में इस पार्ट को शनि का पर्वत कहा जाता। जिन भी लोगों के हाथ में शनि का पर्वत बहुत बैठा हो, यानी कि पर्वत में बिल्कुल भी उभार ना हो, तो ऐसे लोग बहुत आलसी होते हैं, ऐसे लोग काम को टालने की आदत होती है, यानी कि आज की चीजों को कल पर टालने की प्रोकास्टिनेशन भी कहते हैं। ऐसे लोगों को चीजों को टालने की बहुत गंदी हैबिट होती है, बहुत ही आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता इन लोगों का। बात करते इसी माउंट के ऊपर, यानी कि शनि के पर्वत के ऊपर ऐसी मल्टीपल रेखाएं हो, तो मनुष्य जीवन में एक से अधिक व्यापार करने से या एक से अधिक कार्य करने से बहुत पैसा कमाते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं लोगों के पास, बहुत ही अच्छी लाइंस मानी गई है। ऐसे लोग बहुत एक टाइम पे बहुत काम करते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और इनकम सोर्स इनके पास बहुत अच्छे जनरेट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं गुरु पर्वत की। हथेली में इस पार्ट को गुरु का पर्वत यानी कि जुपिटर माउंट कहा जाता है। जुपिटर माउंट अगर उभरा हुआ है और उसके साथ इसके ऊपर यानी कि एक्स का चिन्ह बना हो या इसके ऊपर वर्गाकार स्केयर का चिन्ह हो या कहीं इनके साथ में त्रिभुज का चिन्ह हो, तो इन तीनों का या दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं या बहुत अच्छे गाइडर हो सकते हैं, गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं लोगों को। और यदि चतुर्भुज भी इसमें आपको बनता हुआ दिखाई दे, तो मनुष्य जीवन में अपने दम पर प्रॉपर्टी बनाते हैं, बहुत ही लकी साइंस माने जाते हैं। गुरु के ऊपर ऐसे साइंस बनना बहुत ही लकी होते हैं। यदि हाथ में गुरु के ऊपर ऐसा एक्स का चिन्ह हो, कहीं ना कहीं ये लव रिलेशन को भी दिखाता, और यदि स्केयर का चिन्ह तो ये बताता है कि ऐसे लोगों को देवीय शक्ति मिलती रहती है,
या भगवान इन पे सदैव आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इन लोगों को कोई भी संकट आता है तो भगवान इनकी हेल्प करते हैं आकर। उसके बाद बात करते हैं जीवन रेखा से कोई शाखा निकलकर यदि बृहस्पति तक चली जाए, इस पार्ट को बृहस्पति का कहा जाता है, इस रेखा को जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर सीधी बृहस्पति की तरफ आ जाए तो ये जीवन में लग्जरीज को दिखाती है। ऐसे लोगों को लाइफ में पैसा बहुत मिलता है, बहुत लग्जरी आइटम्स मिलती है, लाइफ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, बहुत सुख सुविधाएं इनको लाइफ में मिलती है। उसके बाद बात करते हैं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, यानी कि इस रेखा को माइंडलाइन कहा जाता है, यानी कि मस्तिष्क रेखा। इन दोनों के सेंटर में यदि गैप हो तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत इंडिपेंडेंट सोच वाले होते हैं, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। कि लोगों की बातें तो सुनते हैं पर करते हैं हमेशा अपने मन की है, या कह सकते हैं सुनते सबके और करते मन की है। ऐसे लोग एक तरह आजाद पंछी होते हैं, अपने मन की करने वाले। इनको खुले में उड़ना बहुत पसंद होता है, बंदिश में रहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा, इस रेखा को हृदय रेखा कहा जाता। हृदय रेखा की शुरुआत में इस प्रकार की छोटी रेखाएं हो, यानी कि बहुत अधिक दिखाई दे रही हो, तो ऐसे लोग बहुत फ्लटी नेचर के होते हैं। ऐसा व्यक्ति फ्लट बहुत अच्छे तरह करता है, सामने वाले को अट्रैक्ट करना जानते हैं। ऐसे लोग ऑपोजिट जेंडर से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनके जीवन में क्लेश का कारण कहीं ना कहीं ऑपोजिट जेंडर बनता है। ये अपने कम्युनिकेशन के थ्रू या कोई भी ऐसी हरकतें करके सामने वाले को अट्रैक्ट करना जानते हैं। इनमें बहुत अच्छी कला भी होती है, या इनमें अट्रैक्शन पावर बहुत अच्छी होती है। उसके बाद बात करते हैं हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में स्केयर, यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच में यदि यहां पर स्केयर बनता हुआ दिखाई दे रहा तो यह बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टी के योग बनते हैं, या कह सकते हैं एक से अधिक प्रॉपर्टी मिलती है। ऐसे लोगों को या तो अपने फादर से मिलती है, या पैतृक संपत्ति या पैतृक बड़ों की पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिलती है। प्रॉपर्टी के लिए साइन का हाथ में बनना बहुत अच्छा माना जाता है, और 100% श्योरिटी है पिता से प्रॉपर्टी इनको मिलती है। इसके बाद बात करते हैं यदि जीवन रेखा से कोई ऐसी रेखाएं ऊपर की तरफ उड़ती हुई दिखाई दे, यानी कि कॉन्टिन्यूस ऐसी हो, तो इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस भी कहा जाता है। जितनी रेखाएं जीवन रेखा के ऊपर से ऐसे चलती आ रही है तो ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन है। ऐसे लोग निरंतर प्रोग्रेस करते हैं, निरंतर अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं। और इसी के साथ साथ यदि इन लाइंस के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाएं हो, ऐसी रेखाएं हो, तो इन रेखाओं को राहु की रेखा कहा जाता है। हथेली में इन रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। जिस टाइम पीरियड में ये बनती है, यानी कि हम एज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पार्ट को 20 का 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ऐसे एज कैलकुलेट की जाती है। और जिस भी टाइम पीरियड में ये लाइंस आ रही हैं, इससे आप एज कैलकुलेट करके देख सकते हो, जिस भी टाइम पीरियड में ये लाइंस आ रही हैं, ये व्यक्ति को स्ट्रेस देती है। यदि ये रेखा लाइफलाइन को काटे तो ऐसे पीरियड में व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज होते हैं, मेजर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। उसी के साथ साथ ये आगे बढ़ती बढ़ती जब माइंड लाइन को काटे तो ऐसे व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस होता है। उस पीरियड में कुछ ना कुछ टेंशन वाला टाइम, कुछ ना कुछ स्ट्रेस लेवल उस टाइम बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं यही रेखा जब आगे बढ़कर, इस रेखा को फेट लाइन कहा जाता है, फेट लाइन को भी काट दे तो ये बताती है कहीं ना कहीं करियर में उतार चढ़ाव। उस टाइम पीरियड में करियर में बहुत डिलेज आते हैं, या आपकी चलती हुई जॉब रुक जाती है अचानक से, या ये भी कह सकते हो अचानक से आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। उसी के साथ साथ ये रेखा आगे बढ़कर जब हृदय रेखा को काट दे तो ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग भी हो सकते हो। ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल, बीपी या हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज होते हैं। हथेली में इन रेखाओं का बनना अच्छा नहीं माना जाता। जिस भी माउंट पर या जिस भी लाइन के ऊपर ये रेखाएं होती है, ये करियर में डिलेज को दिखाती है। उसके बाद बात करते हैं मंगल रेखा की। हथेली में इस पार्ट को, यानी कि इतने पार्ट को मंगल का पार्ट कहा जाता है, और नीचे वाले को शुक्र का कहा जाता है। मंगल के पर्वत के ऊपर कोई भी ऐसी आड़ी रेखाएं हो, बहुत ज्यादा हो, तो ये बताती है कि व्यक्ति
पहले तो बहुत हार्ड वर्क करता है, जैसे उसका काम सक्सेस होने वाला होता है तो आखिरी पे जाकर उसका काम ब्रेक हो जाना, अचानक से काम बिल्कुल खराब हो जाना, बना बनाया काम बिगड़ जाना, इन रेखाओं के कारण होता है। इसके लिए आपको रेमेडी करनी बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको दो तीन रेमेडी बता देता हूँ, ये आप अवश्य कर सकते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, कोई भी काम आपके ब्रेक्स हो जाते हैं या डिलेज आ रहे हैं, तो इसका आप उपाय 100% करना चाहिए। आपको मंगलवार को चींटियों को आटा 100% डालना चाहिए, ये आपको हर मंगलवार कंटिन्यूस करना। पर मंगलवार को आप मंदिर जाकर घी का दिया जलाएं हनुमान जी के सामने, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपको हर मंगलवार करना है। इससे आपके लाइफ में जो भी डिलेज या करियर में जो भी रुकावटें आ रही थी वो बिल्कुल साइड हो जाएंगी, बहुत अच्छा माना जाता है ये। इस उपाय से आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला। उसके बाद बात करते हैं स्पॉटिंग लाइन। लाइफ लाइन के साथ अंदर की तरफ ऐसी रेखाएं चले तो इस रेखा को स्पॉटिंग लाइन कहा जाता है, इसको मंगल की स्पॉटिंग लाइन भी कहा जाता है। यदि ये जिस भी टाइम पीरियड में चल रही है तो उस टाइम पीरियड में या तो आपको फ्रेंड की सपोर्ट मिलेगी, या आपको फैमिली की सपोर्ट होगी, या आपके आपके अपने लाइफ पार्टनर की सपोर्ट होगी। ये 100% आपको किसी न किसी की सपोर्ट जरूर होगी और आपको उस टाइम बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको भी मेरे से कंसल्टेशन चाहिए तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो जाइए और उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर बात करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कंसल्टेशन चार्जेस 250 है। हर हर महादेव दोस्तों।